व्हाट्स अप गाइस, तो यार आज हम करने वाले वाईटी न्यू गेमर के साथ में, जो अभी नया गेमर है, न्यू गेमर है। तो यार वो इतना कुछ मतलब इतना प्रो भी नहीं, लेकिन है भाई, खतरनाक खेलते हैं भाई, प्रो प्रो होता है। तो आज हम उसके साथ में खेलने वाले, तो देखते हैं यार कौन जीतता है। एकदम खतरनाक वन वर्सेस वन किया हम लोग ने। तो यार आप कमेंट में गेस करते रहिए कब तक कौन जीतेगा। तो यार हम अभी एकदम ईजीली मतलब हम लोग एकदम नॉर्मल खेलते हैं, बस फाइनल में हम लोग सीरियस हो जाते हैं, जैसे कि आपको पता ही रहेगा। तो यार देखते अभी कौन सा मैप आता है नेक्स्ट। अब दिखा रहे हैं इधर और कौन सा मैप आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ चुका है टाइल फॉल। तो टाइल फॉल मेरे को एकदम घटिया लगता है, लेकिन कोई नहीं, ठीक ठाक लग जाता है। तो चलो देखते हैं यार क्या होता है टाइल फॉल में, मैं एलिमेंट होता है या कौन एलिमेंट होता है या फिर कोई नहीं होता है। तो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, और वाई टी न्यू गेमर का आप ड्रेस देख सकते हो, समथिंग मतलब टोपा टोपा कपड़ा पहन के रखे हो। और यहाँ पर बूम करते रहते दिख रहा हूँ, अब मैं फिर से जंप इन टाइप करता हूँ, यहाँ पर बूम तरीके से मैं गिरता हूँ। एकदम खतरनाक हूँ ना मैं। और मैंने बोला भाई कितना मजाक नहीं, अभी सीरियस खेलते हैं ज़रा, अभी मतलब पहुँचने वाले मतलब एकदम। और ये जो शेर वाला बंदा भाई, सच में शेर ही निकला भाई, कुछ नहीं, डर ही नहीं भाई, बिंदा स्टाइल पे कदम रखो भाई, हैक करवा के रखा इन्होंने तो, है ना। तब हमें थम दिखा के तुरंत मैं क्वालिफाई हो जाता हूँ, और यहाँ पर मेरे साथ में वाईटी न्यू गेमर भी क्वालिफाई हो जाते हैं। तो ईजिली हम लोग क्वालिफाई हो जाते नहीं ईजिली, वाईटी न्यू गेमर ज़रा सा टफ पड़ता है उनको, लेकिन वो ज़रा 15 क्वालिफाई पे आते ज़रा गिर जाते दो तीन बार, तो कोई नहीं चलते रहते हैं। तो अभी नेक्स्ट आने वाला है, क्या आ रहा है, और यहाँ पर ज़रा लैग हो गया। और यहाँ पर नेक्स्ट आ चुका है फुटबॉल, जो कि होता है एकदम घटिया, हमेशा जब भी आप ज्वाइन करो हमेशा अलग अलग में होता है ना, अलग अलग टीम में रहते हैं, लेकिन पता नहीं आज क्या कौन सा होता है, वो हो गया, हम दोनों एक ही टीम में हो चुके थे। तो मतलब एकदम ऐसा बहुत खतरनाक चांस होता है, एकदम लक में चांस होता है। और यहाँ पर ज़रा मेरे से चुक चुका था, और मैं ध्यान की तरह और था, मतलब एक ही टीम में था। तो अभी हमको फुल खतरनाक स्पीड से मतलब फुल खतरनाक बूम तरीके से खेलना पड़ेगा, हम इसके लिए फुल रेडी थे। तो एक गोल तो अपना पहले से हो चुका था, मतलब उनका पहले से हो चुका था। तो हम लोग भी हम लोग उन लोग को है ना अपने अटैकर से ना इतने खतरनाक थे, आपको आगे वीडियो पता चलेगा क्या खतरनाक अटैकर थे अपने में भाई। अभी देखो तीन गोल कर दिया भाई, हुआ नहीं 10 सेकंड तीन गोल मार दिया इन्होंने। तो अब मैं सोच चुका था भाई डिफेंस में इतना कुछ करने की जरूरत है, लेकिन करने की जरूरत है, कुछ तो करेंगे, जब डिफेंस छोड़ देंगे तो भाई फायदा क्या। तो हम लोग ने उनका दो गोल हो चुका था, तो मैं समझ गया था भाई ये गेम एकदम मतलब ये मैच एकदम बूम होने वाला है एकदम ईजी। तो यार एकदम खतरनाक कुछ सीन नहीं इसका, बस अपने को हल्का सा डिफेंस में कुछ नल्ले करने का है, और ऑटोमेटिक हम क्वालिफाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर 50 सेकंड मतलब बचा था अभी, तो यहाँ पर हम इजीली मतलब डिफेंस कर रहे थे। तो यहाँ पर एक मतलब उन्होंने अपने में भी दो मतलब मैक्सिमम तुम्हारे पास 2 से 3 डिफेंसर है, तो वही सब मतलब गोल होने मत दो, मतलब गोल होएगा ही चाहिए, बहुत कम चांसेस है अगर कोई सस्ते मतलब सस्ता करके खेलेगा तो। यार अभी देखो हमारे पास 3 डिफेंसर है, और कभी कभी 4 आ जाते हैं, फिर बाद में 3 होते रहते हैं। अटैकर से मैक्सिमम 3-4 से 5 होने चाहिए, खतरनाक होता है। तो हमारे पास 25 सेकंड बचे हुए थे, 25 25 में ये लोग क्या कर पाएंगे, बहुत कुछ कर सके लेकिन ये लोग कर नहीं पाएंगे, इनमें अटैकर नल्ले ब्लू वाली टीम में। तो हमारा 6 गोल हो चुका था, और एक बंदे ने क्या मारा लेकिन बच गया इसका गोल, क्योंकि हमारे डिफेंस भी अच्छे, वाईटी न्यू गेमर भी खतरनाक खेलते हैं। तो ये न्यू गेमर इसलिए इनको इतना कंपेयर मत करना, अभी अभी इन्होंने नया चैनल स्टार्ट किया, स्टंबल गाइस भी स्टार्ट किया अभी नया नया। तो मतलब ये भी खतरनाक है। तो अभी 3-2-1 और यहाँ पर हम बूम तरीके से एकदम क्वालिफाई स्टाइल में हो चुके हैं। तो आप उनका भी चैनल चेकआउट कर सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, जाओ भाई को सब्सक्राइब करो, हमारे कारोल आर्मी के पावर दिखाओ भाई, वो नया है, नया को नया मतलब नया है ना, एकदम पॉपुलर कर दो उन भाई को भी, क्योंकि अभी अभी उन्होंने स्टार्ट किए और खतरनाक खेलते भाई, खतरनाक है, ओपी बन रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि कौन सा मैप आएगा। फाइनल आ चुका है बॉम्बटमेंट मैप, जो कि मेरे को थोड़ा पसंद नहीं था, लेकिन अभी थोड़ा पसंद आने लग चुका, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है अपना मैप बॉम्बटमेंट, तो अभी देखते इसमें से कौन जीतता है। तो आपको मतलब आपको पता है क्या मतलब ये लैग करता है स्टार्टिंग में बहुत, तो इसके लिए बचने के लिए मतलब वो अगर ट्रिक मतलब वो अगर नहीं होगा तो आपको क्या करना पड़ता है स्टार्टिंग में, जैसे स्टार्ट होता है ना आपको रुके रहने का, कुछ हिलाने का नहीं, बस हल्का वो स्वाइपिंग कर सकते हो, और जब तक आपको ये चैट वाला मैसेज नहीं आता ना तब तक आप हिलोगे, जब से जब आप चैट करोगे, जब आप चैट खत्म हो जाएगा ना तो आप हिल सकते हो, 10 में से 9 बार ऐसा काम करता है कि आपका लैग ही नहीं होगा। तो हम दोनों ऐसी मतलब मस्ती में खेल रहे थे, बॉम्बटमेंट में ज़रा सीरियस था, पता नहीं वो ज़रा सीरियस थे कि नहीं। और यहाँ पर एक बॉम्ब लगते लगते बचा मैं हल्का, और आगे जाता भाई टकले पे एकदम खतरनाक वाला हेडशॉट देता था वो मुझे, एक का बच गया मैं। और यहाँ पर मतलब भीड़ थी, एक भी बंदा यहाँ पर एलिमेंट नहीं हुआ था अभी तक, तो मैं सोचा भाई सब खतरनाक बंदे भाई एलिमेंट नहीं हो रहे भाई, ये तो मतलब बहुत देर तक मैच चलेगा मेरे को सही लग रहा था। और यहाँ पर एक शेर बंदा करके उड़ चुका, लेकिन बच गया हल्का सा, जर से और फेंका जाता ना मज़ा आता था, एलिमेंट हो जाता था बेचारा। तो यार बहुत सारे प्लेटफॉर्म टूटने लगे थे खतरनाक तरीके से, मतलब जो देखो सब टूटते जा रहे थे। तो अब मतलब एकदम आपको सही मतलब एकदम सही प्लेटफॉर्म चूज़ करके रखना था। तो अब मैं बार बार यहाँ से वहाँ जा रहा था ताकि मैं देखो, अब यहाँ पर शेयर बंदा हुआ सॉब नहीं करके कोई था वो आउट होगा, तो यहाँ पर बार बार जा रहा था कि कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे सेफ है,
जहाँ पर बॉम्ब सबसे कम आ जाए, मतलब कम आ रहे हैं, तो वही मैं देखने के लिए यहाँ जा रही थी। यहाँ पर बॉम्ब बहुत ज़्यादा आ रहे थे तो मैंने ज़रा पीछे से हट गया, तो यहाँ पर बॉम्ब आ रहे थे वाई टी न्यू के ऊपर। हम लोग साथ में थे, मैं सोचा था हम लोग साथ में रहेंगे, साथ में एलिमेंट होंगे या फिर साथ में क्वालिफाई होंगे, लेकिन मैं देखा यहाँ पर बहुत सारे बॉम्ब आ रहे, वहाँ पर नहीं आ रहे, तो ई वन वर्सेस वन मेरे को जीतने का था। तो यहाँ पर बॉम्ब फूटते मेरी फट गई, हाँ, तो मैं यहाँ पर क्या किया, मैंने उसको आखिर थंबनेल गुड लक का साइन देके मैं यहाँ से हो गया रफू चक्कर, 9-2-11 हो गया, मैं यहाँ से मैं यहाँ पर भाग गया। मतलब यहाँ पर ये आखिरी बॉम्ब देखा ना मैंने, मतलब अभी देखो ये एक बॉम्ब देखा मैंने, यहाँ पर देखते ही भीड़ इतनी ज़्यादा फट गई ना भाई, मैं भाग गया, मैंने ऐसे भागा कि भाई अभी मैं गिरने वाला एलिमिनेटर होने वाला। ये मैंने उसको आखिरी गुड लक साइन देके उसको बाय बाय कर दिया, क्योंकि मेरे को पता था वो आउट होगा। और यहाँ पर मैं ट्रिगर मोड एकदम स्टार्ट किया, उसको बूम करके एकदम खतरनाक वाला धक्का देके इसको भाई क्या एलिमिनेट किया है भाई। लाइक कर दो अभी इसी बात पे यार, लाइक नहीं किया है तो। और यहाँ पर कब वो आउट हो गया मेरे को पता भी नहीं चला, तो मैंने देखा वैसे आखिरी बंदा बचा है, मेरे को जीतना पड़ेगा, नहीं जीता तो 1v1 का कोई फायदा नहीं, एक और बार 1v1 करना पड़ेगा, कि वो कोई भी नहीं जीता या फिर नहीं करता था पता नहीं, देखते हैं। और यहाँ पर बॉम्ब आती है, मैंने सीधा रेड फ्लॉप ला, यहाँ पर एक और बॉम्ब आती है, मैंने रेड प्लेटफॉर्म चूदा, और यहाँ ये बंदा कहाँ पता नहीं कैसे गिर गया। तो यहाँ पर मैं नाचते हुए अचानक इजीली एकदम जीत चुका हूँ, इजीली नहीं मतलब थोड़ा सा हार्ड पड़ा लेकिन जीत चुका था मैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और क्या बोलूँ, और आगे वीडियो आएंगे टिप्स एंड ट्रिक्स विद बस्टर भाई, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, समझ जाएगा आपका। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट फाड़ू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।